खबर मिर्जापुर से है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बृजभूषण सिंह ने वृत्त लेते हुए केंद्र सरकार द्वारा लोक कल्याणकारी ऐतिहासिक बजट पर चर्चा करते हुए सराहना करते हुए सरकार का धन्यवाद ज्ञापित किया। बैठक में आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला गया। बैठक की अध्यक्षता नगर अध्यक्ष मनीष गुप्ता व संचालन महामंत्री श्याम सिंह ने किया। बैठक में जिला उपाध्यक्ष व नगर प्रभारी निर्मला आनंद, जिला उपाध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी, पूर्व मंडल अध्यक्ष जय सिंह सहित मंडल अध्यक्ष विजय प्रजापति, महामंत्री सोनू दुबे, राजेश सोनकर, हिमांशु अग्रहरी, अभिनव कुशवाहा, कविता सिंह, रेखा तिवारी, त्रिलोकी विश्वकर्मा, अभिषेक केसरी आदि मंडल के सभी पदाधिकारी व कार्य समिति सदस्य उपस्थित रहे। मिर्जापुर से सत्येंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट। मंडल कार्य समिति की बैठक हमारी प्रति हर 3 महीने पर होती है। ये भारतीय जनता पार्टी के संगठन के अनुसार 3रे महीने में बैठक आहूत की जाती है। इधर विगत 1 वर्ष से कोरोना काल के चलते एक्चुअल बैठकें नहीं हो पाई, तो मंडल कार्य समिति जब से नई बनी है, हमारी नई टीम भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक रचना हुई है, तब से मंडल कार्य समिति की पहली बैठक आहूत की गई। अब हर 3रे महीने में बैठक की जाएगी। इस बैठक में हम आने वाले अपने सभी पिछले कार्यक्रमों 3 महीनों की समीक्षा करते हैं, संगठन पे और आगामी कार्यक्रमों की चर्चा करते हैं। लेकिन जो इस बार की मंडल कार्य समिति की जो बैठक है, उसका प्रमुख एजेंडा ये है कि जो अभी 1 फरवरी 2021-22 को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश के वित्त मंत्री श्रीमती सीता निर्मला रमन जी ने बजट पेश किया है, उस बजट का अभिनंदन करने के लिए और उस बजट का आभार व्यक्त करने के लिए कार्य समिति के साथ साथ हम अभिनंदन भी करते हैं। पूरी कार्य समिति अभिनंदन कर रही है और पूरी कार्य समिति आभार भी व्यक्त कर रही है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को और वित्त मंत्री सीता निर्मला रमन जी को, और साथ ही साथ इसलिए आभार व्यक्त कर रही कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो सपना है, जिस पर जो विजन है मोदी जी का, उस पर बजट 2021-22 का सर्वस्पर्शी, सर्वसमावेशी, ईज ऑफ लिविंग, जीवन को आसान बनाने के लिए जिन्होंने एक ऐतिहासिक बुनियाद रखने के लिए जो ऐतिहासिक बजट प्रस्तुत किया है, वो सराहनीय है, वह स्वागत योग्य है, वो वंदनीय है। साथ ही साथ जो चाइना के लैब बुमान लैब से कोरोना वायरस छोड़ा गया, आत्मनिर्भर भारत बनने की और भारत अग्रसर है, उसका इससे बड़ा, सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो चाइना जैसे विकसित देश से वुहान लैब से कोरोना वायरस को छोड़ा गया, आज भारत देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व की देन है कि भारत के लैब से कोरोना वैक्सीन देश को दिया जा रहा है। साथ ही साथ पड़ोसी फर्स्ट का के धर्म का पालन भी मोदी जी कर रहे हैं। हमारे देश के जो पड़ोसी देश हैं उनको भी हम, भारत देश निःशुल्क वैक्सीन देने का काम कर रहा है। इसके साथ साथ ऐतिहासिक बजट पेश करने का जो इन्होंने काम किया है, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी मिर्जापुर, भारतीय जनता पार्टी नगर पूर्वी मंडल, जिस कार्यक्रम में हम उपस्थित हुए हैं, सभी कार्य समिति के लोग, सभी कार्यकर्ता और प्रदेश की जनता, देश की जनता और मिर्जापुर की जनता प्रधानमंत्री जी की और वित्त मंत्री जी की स्वागत करती है, अभिनंदन करती है और उनको आभार व्यक्त करती है। जय हिंद, जय भारत।